हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप हॉलीवुड की मूवीज़ के इंग्लिश सबटाइटल की मदद से अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है इंग्लिश सीखने का, बस आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का अपना पहला सेंटेंस। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रही है कि मैं चाहे कुछ भी कहूँ वो हमेशा मेरी बात को काटती है। यहाँ पर किसी लड़की के बारे में कह रही है कि मैं चाहे कुछ भी कहूँ वो हमेशा मेरी बात को काटती है। इंग्लिश में बोलेंगे इट डजेंट मैटर वॉट आई से, शी ऑलवेज कॉन्ट्राडिक्ट मी। इट डजेंट मैटर वॉट आई से, शी ऑलवेज कॉन्ट्राडिक्ट मी। कॉन्ट्राडिक्ट मतलब किसी की बात को काटना, खारिज करना, खंडन करना। इट डजेंट मैटर वॉट आई से, मैं चाहे कुछ भी कहूँ, शी ऑलवेज कॉन्ट्राडिक्ट मी, वो हमेशा मेरी बात को काटती है। उसे मुझे गलत साबित करने में मजा आता है। शी टेक्स डिलाइट इन प्रूविंग मी रॉन्ग। शी टेक्स डिलाइट इन प्रूविंग मी रॉन्ग। कह रही है कि उसे मुझे गलत साबित करने में मजा आता है। शी टेक्स डिलाइट इन प्रूविंग मी रॉन्ग। यही वजह है कि मैं उससे सबसे ज़्यादा नफरत करती हूँ। बोल रही है कि दैट्स द रीज़न आई हेट हर द मोस्ट। दैट्स द रीज़न आई हेट हर द मोस्ट, यानी यही वजह है कि मैं उससे सबसे ज़्यादा नफरत करती हूँ। दैट्स द रीज़न आई हेट हर द मोस्ट। मैं मेरी को उसके लुक्स के लिए नहीं बल्कि उसकी दयालुता के लिए पसंद करती हूँ। ये जो है ये मेरी को बहुत ज़्यादा पसंद करती है। इससे कह रही है कि मैं मेरी को इसलिए पसंद नहीं करती कि उसका लुक्स बहुत अच्छा है। मैं मेरी को उसके लुक्स के लिए पसंद नहीं करती बल्कि इसलिए पसंद करती हूँ कि वो बहुत दयालु है। तो इस इंग्लिश में बोलेंगे आई लाइक मेरी नॉट फॉर हर लुक्स बट फॉर हर काइंडनेस। आई लाइक मेरी नॉट फॉर हर लुक्स बट फॉर हर काइंडनेस, यानी मैं मेरी को उसके लुक्स के लिए नहीं बल्कि उसकी दयालुता के लिए पसंद करती हूँ। आई लाइक मेरी नॉट फॉर हर लुक्स बट फॉर हर काइंडनेस। वो बहुत दयालु है इसलिए वो हर किसी के द्वारा पसंद की जाती है, यानी हर कोई उसे पसंद करता है। वो बहुत दयालु है। शी इज़ वेरी काइंड, दिस इज़ वाई शी इज़ लाइक्ड बाय एवरीवन। शी इज़ लाइक्ड बाय एवरीवन, ये पैसिव वॉइस है। कह रही है कि शी इज़ वेरी काइंड, वो बहुत दयालु है, दिस इज़ वाई, इसीलिए शी इज़ लाइक्ड बाय एवरीवन, वो हर किसी के द्वारा पसंद की जाती है। सॉरी, यहाँ पर एवरीबडी है। आगे कह रही है कि तुम उसे जितना ज़्यादा जानोगी वो तुम्हें इतना ही ज़्यादा पसंद आएगी। कह रही है कि द मोर यू गेट टू नो हर द मोर यू विल लाइक हर। द मोर यू गेट टू नो हर, यानी तुम उसे जितना ज़्यादा जानोगी, द मोर यू गेट टू नो हर द मोर यू विल लाइक हर, तुम उसे उतना ही ज़्यादा पसंद करोगी। कुछ नहीं कहा जा सकता उनका झगड़ा कितना लंबा चलेगा। तो किसी में झगड़ा हो गया है तो यहाँ पर उनके बारे में कह रही है कि कुछ नहीं कहा जा सकता उनका झगड़ा कितना लंबा चलेगा। तो सबसे पहले कुछ नहीं कहा जा सकता, मैंने पहले भी बताया, इसके लिए हम यूज़ करेंगे देयर इज नो टेलिंग। देयर इज नो टेलिंग हाउ लॉन्ग देयर कोरल विल लास्ट। देयर इज़ नो टेलिंग हाउ लॉन्ग देयर कोरल विल लास्ट, यानी कुछ नहीं कहा जा सकता उनका झगड़ा कितना लंबा चलेगा। देयर इज नो टेलिंग हाउ लॉन्ग देयर कोरल विल लास्ट। मैंने तो उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की। कह रही है कि आई ट्राइड माई बेस्ट टू मेक देम अंडरस्टैंड। आई ट्राइड माई बेस्ट टू मेक देम अंडरस्टैंड, यानी मैंने तो उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की। आई ट्राइड माई बेस्ट टू मेक देम अंडरस्टैंड, ना तो वो समझने को तैयार हैं और ना ही तुम। ये बहुत यूजफुल सेंटेंस है, ध्यान से देखना। कह रही है कि ना तो वो समझने को तैयार है और ना ही तुम। इसे इंग्लिश में बोलेंगे नीदर शी इज़ रेडी टू अंडरस्टैंड नोर यू। नीदर शी इज़ रेडी टू अंडरस्टैंड नोर यू, यानी कि ना तो वो समझने को तैयार है और ना ही तुम। नीदर शी इज़ रेडी टू अंडरस्टैंड नोर यू। तुम गलत हो अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे मदद की भीख मांगूंगी। कह रही है कि यू आर मिस्टेकन, यानी तुम गलत हो। यू आर मिस्टेकन इफ यू थिंक, अगर तुम्हें लगता है आई विल बेग यू फॉर हेल्प, मैं तुमसे मदद की भीख मांगूंगी। यू आर मिस्टेकन इफ यू थिंक आई विल बेग यू फॉर हेल्प। यू आर मिस्टेकन इफ यू थिंक आई विल बेग यू फॉर हेल्प। तुम गलत हो अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे मदद की भीख मांगूंगी, क्योंकि मैं ऐसा कभी कर नहीं करने वाली। कह रही है कि क्योंकि मैं ऐसा कभी नहीं करने वाली। बिकॉज आई एम नेवर गोना डू दैट। बिकॉज आई एम नेवर गोना डू दैट, क्योंकि मैं वैसा कभी नहीं करने वाली। बिकॉज आई एम नेवर गोना डू दैट, इस ख्याल को अपने दिमाग से निकाल दो। कह रही है कि गेट दिस आइडिया आउट ऑफ योर माइंड। गेट दिस आइडिया आउट ऑफ योर माइंड, यानी इस ख्याल को अपने दिमाग से निकाल दो। गेट दिस आइडिया आउट ऑफ योर माइंड। नेक्स्ट होगा यहाँ पर, इससे बोल रही है कि मैं अपना वादा निभा रही हूँ, तुम अपना निभाओ। ये मैंने पहले भी एक बार बताया था, तो जब भी इस तरीके से बोलना हम कहेंगे आई एम कीपिंग माई प्रोमिस, क्योंकि
प्रॉमिस को वादा निभाने के लिए हम कीप का यूज़ करते हैं, इसलिए यहाँ पे बोला जाएगा आई एम कीपिंग माई प्रोमिस, यानी मैं अपना वादा निभा रही हूँ। आई एम कीपिंग माई प्रोमिस, यू कीप योवर्स, तुम अपना निभाओ। आई एम कीपिंग माई प्रोमिस, यू कीप योवर्स, मैं अपना वादा निभा रही हूँ, तुम अपना निभाओ। तुमने वादा किया था तुम मुझे जाने दोगी, यू प्रोमिस्ड यू वुड लेट मी गो, यू प्रोमिस्ड यू वुड लेट मी गो, तुमने वादा किया था तुम मुझे जाने दोगी, इफ़ आई टोल्ड यू एवरीथिंग, अगर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूँ। इफ़ आई टोल्ड यू एवरीथिंग, अगर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूँ, यू प्रोमिस्ड यू वुड लेट मी गो, तुमने वादा किया था कि तुम मुझे जाने दोगी। जब से तुम डाइट पर गई हो तुमने बहुत वजन कम कर लिया है। यहाँ पर किसी लड़की से कह रहा है कि यू हैव लॉस्ट अ लॉट ऑफ वेट सिंस यू वेंट ऑन अ डाइट, यू हैव लॉस्ट अ लॉट ऑफ वेट सिंस यू वेंट ऑन अ डाइट, यानी जब से तुम डाइट पर गई हो तुमने बहुत वजन कम कर लिया है। यू हैव लॉस्ट अ लॉट ऑफ वेट सिंस यू वेंट ऑन अ डाइट, मैंने सोचा नहीं था तुम ऐसा कर पाओगी, कह रहा है कि आई डिडंट थिंक, यानी मैंने सोचा नहीं था। तो यहाँ पर विल की जगह वुड का यूज़ होगा क्योंकि बात पास्ट में हो गई। आई डिडंट थिंक, यानी मैंने सोचा नहीं था, यू वुड बी एबल टू डू इट, तुम ऐसा कर पाओगी। आई डिडंट थिंक यू वुड बी एबल टू डू इट, मैंने सोचा नहीं था तुम ऐसा कर पाओगी, लेकिन मैं खुश हूँ तुमने मुझे गलत साबित किया। बट आई एम ग्लैड यू प्रूव्ड मी रॉन्ग, बट आई एम ग्लैड यू प्रूव्ड मी रॉन्ग, लेकिन मैं खुश हूँ कि तुमने मुझे गलत साबित किया। बट आई एम ग्लैड यू प्रूव्ड मी रॉन्ग, कोशिश करो और उसे ये समझाओ कि मुझे पैसों की ज़रूरत है। देखो, समझाने के लिए एक तो हम ये भी कह सकते हैं कि मेक हिम अंडरस्टैंड, लेकिन एक फ्रेजल वर्ब यूज़ होती है जिसे हम गेट अक्रॉस बोलते हैं। तो कह रहा है कि जस्ट ट्राई एंड गेट इट अक्रॉस टू हिम दैट आई नीड मनी, जस्ट ट्राई एंड गेट इट अक्रॉस टू हिम दैट आई नीड मनी, कोशिश करो और उसे समझाओ कि मुझे पैसों की ज़रूरत है। जस्ट ट्राई एंड गेट इट अक्रॉस टू हिम दैट आई नीड मनी, मैं सुपरमैन नहीं हूँ, यही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ये इससे बहुत कठिन काम करने को कह रहा है जो कि एक इंसान के बस की नहीं। तो इससे कह रहा है कि मैं सुपरमैन नहीं हूँ, यही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर भी हम गेट अक्रॉस का यूज़ करेंगे, आई एम नॉट सुपरमैन दैट्स वॉट आई एम ट्राइंग टू गेट अक्रॉस, आई एम नॉट सुपरमैन दैट्स वॉट आई एम ट्राइंग टू गेट अक्रॉस, यानी मैं सुपरमैन नहीं हूँ, यही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम वैसा सिर्फ मुझे खुश करने के लिए बोल रहे हो, यहाँ पर ये किससे कह रही है कि यू आर जस्ट सेइंग दैट टू मेक मी हैप्पी, यू आर जस्ट सेइंग दैट टू मेक मी हैप्पी, तुम वैसा सिर्फ मुझे खुश करने के लिए बोल रहे हो, यू आर जस्ट सेइंग दैट टू मेक मी हैप्पी, लेकिन मैंने तुम्हारे साथ काम ना करने का फैसला कर लिया है। कह रही कि बट आई हैव डिसाइडेड नॉट टू वर्क विद यू, बट आई हैव डिसाइडेड नॉट टू वर्क विद यू, लेकिन मैंने तुम्हारे साथ काम ना करने का फैसला कर लिया है। बट आई हैव डिसाइडेड नॉट टू वर्क विद यू, इससे तुम्हें काफ़ी परेशानी हो सकती है। तो यहाँ पर कोई खाली पेट दवा खा रहा है तो ये कह रहा है डॉक्टर के ऐसा मत करो, इससे तुम्हें काफ़ी परेशानी हो सकती है। इस इंग्लिश में बोलेंगे इट कैन कोज यू मच ट्रबल, इट कैन कोज यू मच ट्रबल, यानी इससे तुम्हें काफ़ी परेशानी हो सकती है। इट कैन कोज यू मच ट्रबल, उस पर हर समय नज़र रखना। कह रही है कि कीप एन आई ऑन हर ऑल द टाइम, कीप एन आई ऑन हर ऑल द टाइम, तो इन्हें किसी पर शक है तो किसी से कह रहे हैं कि उस पर हर समय यानी हमेशा नज़र रखना, कीप एन आई ऑन हर ऑल द टाइम। तुम्हें क्या लगता है मैं ये सब किसके लिए कर रहा हूँ, इसे इंग्लिश में बोलेंगे हु डू यू थिंक आई एम डूइंग ऑल दिस फॉर, हु डू यू थिंक आई एम डूइंग ऑल दिस फॉर, तुम्हें क्या लगता है मैं सब किसके लिए कर रहा हूँ, हु डू यू थिंक आई एम डूइंग ऑल दिस फॉर, मुझे तुम्हें अपना बेटा कहने में शर्म आती है। इसने कुछ ऐसा काम कर लिया है, कह रहा है कि आई एम अशेम्ड टू कॉल यू माई सन, आई एम अशेम्ड टू कॉल यू माई सन, यानी मुझे तुम्हें अपना बेटा कहने में शर्म आती है, आई एम अशेम्ड टू कॉल यू माई सन। उसकी हर बात पर विश्वास मत किया करो, कह रही है कि डोंट बिलीव एवरीथिंग ही सेज, डोंट बिलीव एवरीथिंग ही सेज, यानी उसकी हर बात पर विश्वास मत किया करो, वो हमेशा सच नहीं बोलता, ही डजेंट ऑलवेज टेल द ट्रूथ, ही डजेंट ऑलवेज टेल द ट्रूथ, वो हमेशा सच नहीं बोलता। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही, ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। और हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी प्रैक्टिस के लिए मैंने कुछ सेंटेंस रिपीट किए हैं अपनी पुरानी वीडियो से, ताकि आप भूल ना पाओ।